मथुरा वृंदावन मुख्य मार्ग को बनते हुए 10 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कछुआ गति से चल रहा कार्य की वजह से नहीं हो पा रहा है, जबकि कुंभ वृंदावन आ चुका है। 14 फरवरी से चालू हो जाएंगे। पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारी और जल निगम के अधिकारी ने कहा था कि 31 जनवरी तक यह मुख्य मार्ग RCC का बना दिया जाएगा। दूसरी ओर हमारा आरोप है कि जो रसरिया पहले 2005 में लगी हुई थी, ना तो इस प्रकार का लोहा लगाया गया है और ना ही वाइब्रेटर भी नहीं लगाया जा रहा है और गुणवत्ता में भी कमी है। हमें लगता है कि कुंभ चालू हो जाएगा और सड़क नहीं बन पाएंगी। हम तो यह मान सकते हैं कि जिला प्रशासन के प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को इस रोड से निकल करके वृंदावन भेजा जाएगा, फिर पता चल जाएगा तुम्हारे अधीनस्थ अधिकारी कितनी शीलता से सड़क निर्माण का कार्य करा रही हैं। इस सड़क को रात और दिन युद्ध पर स्तर से बनवाया जाए। ताराचंद गोस्वामी ने कहा कि यदि युद्ध स्तर से सड़क नहीं बनवाई गई तो हम मथुरा वृंदावन मुख्य मार्ग जयसिंहपुरा में धरना प्रदर्शन करेंगे। आप देख रहे हैं ये सड़क आज 10 महीने से बनाई जा रही है, कभी खोद देते हैं कभी बना देते हैं, और यहाँ तक है 20-20 फुट का गड्ढा हो जाता है। कल मेरे मोहल्ले के लड़के दो इसमें एक्सीडेंट हो गया, इसमें गिर गए, उनका सर फट गया उनका। तो क्या ये जान लेना चाहते हैं लोग? अभी जब बात हुई अजय अग्रवाल से, जो PWD विभाग का इंजीनियर है, हमने कहा ये सड़क कब तक निर्माण हो जाएगा, उन्होंने कहा 31 तक। आज हो गया 3, 14 तारीख को कुंभ का उद्घाटन होने वाला है, इसमें प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। हम सब जाने लोगों को, यहाँ के शासन और प्रशासन को, कि इस रोड से लेकर के जाएं योगी जी को, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। वो हेलीकॉप्टर को कहाँ उतारेंगे, या तो अक्षय पात्र में, या उतारेंगे सैया के सामने, तुमको दिखाना नहीं है। तुम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग भाजपा के लोग आखिर करना क्या चाहते हैं लोगों को? ये जो बन रहा है ना, ये इनके घर का पैसा नहीं है। जितने मोटरसाइकिल कार जो चल रही है वो टैक्स देते हैं, उसका रुपया लगाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि यही हाल रहा कछुआ गति से, तो शायद जब तक मुख्यमंत्री आएंगे इस सड़क का निर्माण नहीं होगा। हमारा यही कहना है कि देखे कितने लोग कैसे